विकलांग व्यक्तियों ने कल इंदौर में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली को आयोजित की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 8-8 सीटों पर 7 मई और 13 मई को मतदान होने हैं और राज्य में कुल 29 संसदीय सीटें हैं। इसी क्रम में व्हीलचेयर विकलांग खेल संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सजाद अली ने कहा कि रैली मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी। इस रैली के साथ इंदौर के विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों लोगों को लोकसभा चुनाव में बाहर आने और अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। ये रैली मतदाता जागरूकता अभियान के तहत थी, जिसमें समस्त इंदौर जिले के समस्त दिव्यांगजन आकर ये दिखाना चाहते थे, सबको प्रेरित करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे कि हम जैसे दिव्यांग डिसेबल लोग घर से निकलकर वोटिंग कर सकते हैं, मतदान अपना अधिकार है उसको पूर्ण कर सकते हैं, तो आम जनता तो बिल्कुल भी डेफिनेटली कर सकती है। हमारा यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और देश के मताधिकार का प्रयोग कीजिए अपने।